जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, कैसे हुई शिकस्त लईनों की ये सुनो, कैसे हुई शिकस्त लईनों की ये सुनो, जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, जंगे बदर का हाल सुनाता हूँ मोमिनो, कैसे हुई शिकस्त लईनों की ये सुनो, कैसे हुई शिकस्त लईनों की ये सुनो, कैसे हुई शिकस्त लईनों की ये सुनो। गाँव जो मदीना से है 80 मील दूर, मिलता था सबको आके यहाँ पे अजब सुरूर, था एक कुआं बड़ा सा वहाँ पे ए दोस्तों, मालिक बदर था इसका मेरे दोस्तों, सुनो मंसूब उसके नाम से यारो जगह थी वो, सालाना मेला लगता था ऐ मेरे दोस्तों, इस जा हुआ था जंगे बदर का वो मारका, जिसमें बहुत से लोगों का खून दोस्तों बहा, कुफार थे कुरैश के जालिम बड़े तमाम, जलते थे मुस्लिमों से अजीजों वो सुबह शाम, एक दिन लड़ाई ऐसी छिड़ी उनके दर में आ, खून का ए मेरे दोस्त तो दरिया हुआ रवा, कुफार को शिकस्त हुई भाग सब रकीब, फतेह मुबीन हुई थी मुसलमान को नसीब, लहराया हर सुपरचम इस्लाम जा बजा, इस्लाम जा बजा, कुफार को सिवाय निदामत न कुछ मिला, कुफार को सिवाय निदामत न कुछ मिला, कुफार को सिवाय निदामत न कुछ यहाँ से गुलशन इस्लाम का चमन, कुरान में इसका जिक्र है दर असल अजमलन, अल हजरमी का बेटा जो उमरों का खून हुआ, लोगों ने खून का बदला है खून नारा दे दिया, तैयार सब ही रहते थे देने को अपनी जान, कुफार ने किया था बदर जाने का प्लान, चालाकी एक दिखाई सुफियान ने मगर, कासिद को भेजा मक्का में जाके दिए खबर, के काफुले में सारा तिजारत का माल है, मुस्लिम है उनको घेरने वाले मलाल है, सुनकर खबर ये मक्का में हलचल सी मच गई, हालत हुई शिकस्त वो पल में हर एक की, वो जुमला सरदारान ये सुन के निकल पड़े, निकला अबू लहब न परेशानी थी उसे, शैबा उमैया उतबा ओ अब्बास अबू जहल, शैबा उमैया उतबा अब्बास
खुशबू जहर था जोश इंतकाम में गर काब सबका दिल था जोश इंतकाम में गर काब सबका दिल था जोश इंतकाम में गर काब सबका दिल लश्कर वो एक हजार का लेकर निकल पड़े उतबा की सरबराही में खुश हो के वो चले फिर भेजा एक बार अबू सुफियान ने पयाम वापस घरों पे जाए सभी लोग खास आम हम मुस्लिमों के हमलों से दर असल बच गए सब कुछ ही ठीक ठाक चले जाओ लौट के ये सुन के इख्तिलाफ लाइनों में पड़ गया और वो अबू जहल भी नहीं मुत्तफिक हुआ चाहत थी उसकी जाके बदर पे पिए शराब जाकर करें वहां पे अजब बरपा इनकलाब अल मुख्तसर इकट्ठे वो कुफार हो गए अच्छी जगह पे सब ने ही कब्जे जमा लिए मंसूबे वो बनाने लगे मिलके जंग के वाकिफ रसूल पाक थे उन सब के हाल से सरकार ने सहाबा को आगाह कर दिया कर दिया और फिर बदर में जाने का दिल में अहद किया और फिर बदर में जाने का दिल में अहद किया और फिर बदर में जाने का दिल में अहद बकरो उमर उस्मान हैदर निकल पड़े सारे मुहाजिरीन ही थे जोश में भरे सरकार ने लिया वो जो लश्कर का जायजा बच्चे नजर जो आए तो बाहर उन्हें किया बेटा अभी बता सिका बोला था मुस्तफा मुझको भी मेरे आका इजाजत करें अता माने ना उनकी बात को जो सैयदुल बशर रोने लगे अजीज वो फिर फूट फूट कर ये देख के दी उनको इजाजत हुजूर ने जज्बात उनके देख के सब ही मचल गए लश्कर था कुल वो 313 पे मुस्तमिल हर शख्स का मचलता था जोशे तरब में दिल सादो जुबैर के भी थे जज्बात औज पर लबरेज जोश से था हकीकत में हर बशर पहुंचे बदर में सहरा पे जाके सभी रुके सभी रुके धसते थे पैर घोड़ों के रुए जमीन पे धसते थे पैर घोड़ों के रुए जमीन पे धसते थे पैर घोड़ों के रुए जमीन पे पानी
था वहाँ पे थी खुश की हर एक सू। बारिश हुई समा वो हुआ पल में खूब रू। पानी बशक्ल हौज सभी एक जगह रुका। खुश हो गए वो सब ही किया शुक्र किबरिया। आई जो रात सोने लगे सब जमीन पर। निकले ऐ लोग गश्त पे सुल्तान बहरोबर। छड़ से निशान जमीन पे लगाते चले गए। मुशरिक कहाँ मरेंगे बताते चले गए। पेशीन गोई जैसे कि प्यारे रसूल ने। वैसे ही कत्ल सब ही वो होते चले गए। पहले तो टल गई थी लड़ाई ऐ मोमिनो। लेकिन अबू जहल ना वो माना ऐ दोस्तो। उत्बा ये चाहता था किसी तरह से टले। ताना अबू जहल ने दिया सब भड़क पड़े। राजी तमाम फिर से वो कुफार हो गए। यूं जोश भर गया के वो तैयार हो गए। यूं जोश भर गया के वो तैयार हो गए। यूं जोश भर गया के वो तैयार हो गए। दोनों तबके थे दर असल सामने। हमलों पे हमले होने लगे जोर जोर से। कुफार के निशाने पे दर असल थे नबी। मौजूदगी में इनके न सूरत थी जीत की। अल किस्सा जंग और घमासान हो गई। जौहर दिखा रहे थे के वो हमजा ओ अली। कुव्वत पे वो जमीन भी पल में दहल गई। कुफार थर थराए बड़ी और बेकली। हमजा ने मार डाला था उत्बा को दोस्तो। मौला अली ने मार दिया था वलीद को। आया उबैद पहने हुए लोहे का लिबास। पहुंचे जुबैर बरछी लिए जल्द उसके पास। जुज आंखों के चमक तना था हिस्सा जिस्म का। हैवत से था जुबैर की बेहद डरा हुआ। आंखों में बरछी मारी जनाबे जुबैर ने। फिनार हो गया था फकत एक बार में। फिनार हो गया था फकत एक बार में। फिनार हो गया था फकत एक बार लड़के अबू जहल की तरफ ऐसे दो बड़े। जोशे जुनून से थे जो बिल्कुल भरे हुए। दोनों मुआज और मुआबिस वो भाई थे। तैयार जान देने को वो दोनों भाई थे। एक साथ मिलके करने लगे ऐसे उस पे वार। जैसे एक शेर करता है ऐ दोस्त तो शिकार।
हमले शदीद ऐसे थे वो ना संभल सका, इतने लगे थे जख्म वहीं ढेर हो गया। कोहराम बरपा हर्ष हुआ उसके कत्ल से, कुफार वो तमाम ही आफतों में फंस गए। देखा जो अपने बाप का ये इकरमान हाल, हमलों पे हमले करने लगा हो के वो निढाल। बाजू कटा मुआज का यूं लटका रह गया, उसको दबा के पांव से लोगों किया जुदा। अब्दुल्ला लाए काट के आका के पास सर, सर कुफार हो गए थे शिकस्ता ये देख कर। कुफार हो गए थे शिकस्ता ये देख कर, कुफार हो गए थे शिकस्ता ये देख कर। कुदसियों की थी एक फौज मोमिनों, उतबा व शेबा मारे गए प्यारे दोस्तों। गालिब यूं आए 313 फतह मिली, भागे वो मुशरिकीन के हारून की हो गई। इस समत से भी 14 बशर हो गए शहीद, नुकसान जालिमों को उठाना पड़ा शदीद। गड्ढे में सबकी लाशों को लाकर जमा किया, ऊपर से मिट्टी डाल के उनको दबा दिया। आए हुजूर सबको दी आवाज इस तरह, पाया है रब के वादों को ऐ लोगों किस तरह। मुर्दे वो बोले वादा है सच्चा ए मोहतरम, ना माने बातें आपकी गलती पे सब थे हम। देखा उमर ने हाल ये खैरुल अनाम का, दिल और भी निसार मोहम्मद पे हो गया। ऐ ताज मुस्तफा की निराली ही शान है, शान है अजमत पे उनकी कुर्बान ये सारा जहान है। अजमत पे उनकी कुर्बान ये सारा जहान है, अजमत पे उनकी कुर्बान ये सारा जहान है, अजमत पे उनकी कुर्बान ये सारा जहान है। बयां कर पाऊं कैसे रुतबा दामाद पैगंबर, पैगंबर निराली शान वाले ताज है बेशक अली हैदर। निराली शान वाले ताज है बेशक अली हैदर। बयां कर पाऊं कैसे रुतबा दामाद पैगंबर, बयां कर पाऊं कैसे रुतबा दामाद पैगंबर निराली शान वाले ताज है बेशक अली हैदर। निराली शान वाले ताज है बेशक अली हैदर, निराली शान वाले ताज है बेशक अली हैदर।
महबूबे खुदा सच में अली बुने अभी तालिब उन्हीं का तज़किरा होता है हर एक समत हर जानिब बफ़ज़ले खालिक़े अकबर हुए काबे में वो पैदा लिया आगोश में सरकार ने हर शय हुई शैदा है बेशक साहिबे अखलाक दामादे रसूल अल्लाह अली के कुव्वते बाजू पे है कुर्बान सभी वल्ला जनाबे फातिमा बीवी के शौहर फाता है खैबर इमामुल औलिया शाह विलायत दीन के रहबर हकीकत में वही है साकिये में खाने वहदत अमीरुल मोमिनी है अल्लाह अल्लाह काजी मिल्लत बफजले हक ताला टाल देते हैं हर एक मुश्किल नवाजे वो जिसे आ जाती है जेरे कदम मंजिल शुजात हिम्मतों को वत में वो बेशक नुमाया है उन्हें पाकर जहां में दर हकीकत सभी नाजा है हयाते जावदानी मजहबे इस्लाम को बख्शी इस्लाम को बख्शी हर एक सू हर तरफ ही ए अजीजो धूम है उनकी हर एक सू हर तरफ ही ए अजीजो धूम है उनकी हर एक सू हर तरफ ही ए अजीजो धूम है उनकी शुजात शहरहे आफाक हैं कुव्वत के चर्चे हैं उन्हीं के नाम से डूबे सफीने पार होते हैं चचेरे भाई हैं दरअसल ये महबूबे दावर हैं सभी दीवाने हैं अल्लाह अल्लाह लोग हैं दर के असदुल्ला खिताब इनको रसूले पाक ने बख्शा हर एक सू धूम है इनकी है रुतबा असल में ऊंचा मकामे अशरफ आला शुमार होता है खुल्फा में सभी गजबात में शामिल हुए झूमे तमन्ना में हर एक सू बजता है ए मोमिनो डंका शुजात का दिया पैगाम दुनिया को हमेशा ही उखुव्वत का बफजले खालिके अकबर उखाड़ा बाब खैबर को बड़ी हैरत से देखा हर किसी ने लोग मंजर को खुदाए पाक ने नामे अली को वो सिफत बख्शी जिसे लेते ही हो जाती है मुश्किल दूर हर एक की इबादत और रियाजत नाज करती है सुभान अल्लाह इबादत और रियाजत नाज करती है सुभान अल्लाह इबादत और रियाजत नाज करती है सुभान अल्लाह सखावत और सदाकत नाज करती है सुभान अल्लाह सखावत और सदाकत नाज करती है सुभान अल्लाह सखावत और सदाकत नाज करती है सुभान अल्लाह
हमेशा खिदमते सरकार में हाजिर वो रहते थे। बड़े ही प्यार से आका भी उनको भाई कहते थे। बताया उनको बाबुल इल्म सरकार दो आलम ने, बड़े ही प्यार से रखा सदा नूरे मुजस्सम ने। बदर ओहो दो हुनैनो खंदको खैबर शिकन है वो। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यकीनन ज़ौफ़गन है वो। हदीसों में है चर्चा आपका ही हुस्न सीरत का। है दीवाना यकीनन हर कोई आला फजीलत का। है सचबा एतबारे इल्म है ऊंचा मकाम उनका। सरे फहरिस्त सब इल्मों में है बेशक ही नाम उनका। मसाइल पल में कर देते थे हल वो अपनी हिकमत से। हमेशा पेश आते थे हर एक से वो मोहब्बत से। कोई साइल कभी भी मोमिनो खाली न जाता था। तलब से भी सिवा अल्लाह अल्लाह पल में पाता था। मुकदमों को वो हल ऐ मोमिनो लम्हे में करते थे। करते थे बफजले किबरिया वो दामने उम्मीद भरते थे। दिखाई कितनी ही दर असल हजरत ने करामाते। पयामे हक दिया की मजहबे इस्लाम की बातें। करामत है उन्हीं में एक बड़ी मशहूर ये सुनिए। ऐ लोगो हो गए जंगे सफी में जब सभी प्यासे। ज़बाने शिद्दते तिश्ना लगी से आ गई बाहर। गला हर एक का सूखा हुआ हर एक बशर अबतर। नजर आया न पानी बढ़ गई हर एक की बेचैनी। हुई थी दर हकीकत एक अजब ही कैफियत उनकी। मिला उनको न पानी एक गिरजा घर नजर आया। तो राहिब से ऐ लोगो सबने पानी का पता पूछा। बताया उसने के छे मील की दूरी पे पानी है। यहाँ पर पानी की हर गिज़े न कोई भी निशानी है। कहा सबने अली शेरे खुदा के क्या करें अब हम। करें दूरी ये तय कैसे के है सब प्यास से बेदम। ये फरमाया अली ने साथियों हर किस न घबराओ। घबराओ बफजले किबरिया तुम सब मेरे नजदीक आ जाओ।
उन्हीं को आप सभी शान कुदरत से सिला पाओगे बेहतर खालिक़े अकबर की रहमत से। जमीन खोदी गई पत्थर यहाँ पे एक नजर आया, हटाया उसको जिस दम चश्मे आबे वहां पाया। वो पानी ठंडा ठंडा मीठा मीठा साफ सुथरा था, हुआ पीकर उसे सैराब हर कोई मचल उठा। पिया हसबे जरूरत उसमें से फिर सब नहीं पानी, हुई राहिब को ये सब देख के बेहद ही हैरानी। नहायत आजिज़ी से उसने पूछा ऐ मेरे हजरत, ताजुब है मुझे होती है आका देख के हैरत, है कोई आप पैगंबर के हैं दामाद पैगंबर। वो मुँह तकने लगा था आपका हैरान कुन होकर, कहा तुम ठीक कहते हो कि मैं दामाद आका हूँ, फिदा हूँ जान दिल से उन पे मैं उनका खलीफा हूँ। ये सुनते ही हुआ फिर दाखिले इस्लाम वो राहिब, ये सुनते ही हुआ फिर दाखिले इस्लाम वो राहिब, पढ़ा कलमा अकीदत से हुआ ऐ मोमिनो ताइब। शहादत हजरते उस्मान पाई जिस घड़ी लोगो, खलीफा मुंतखब सबने किया ऐ मोमिनो उनको। बड़ा ही खूबरू अहदे खिलाफत था सुभान अल्लाह, नजारा बाईसे तस्कीन और राहत था सुभान अल्लाह। थे कुछ ऐसे भी बागी देख के दर असल जलते थे, मिटा देने की हर दम हर घड़ी साजिश वो रचते थे। बनाया सबने मंसूबा करे कत्ले अली मिलके, मुसल्लत इब्ने मुलजिम को किया इस बात पे सबने। गरज मस्जिद में लोगों छुप गया वक्त सहर आकल, हुए जो दाखिले मस्जिद नमाजे फजर को हैदर। अचानक वार उसने कर दिया घाव लगातारी, कटी पेशानी ऐसी के लहू से रंग गई दाढ़ी। जमी पर गिर गए शेरे खुदा सब लोग आ पहुंचे, नजारा देख के ये दोस्त तो सब थर थरा उठे। सजा जो उसको देना चाहिए तो है दर ने फरमाया, सजा जो उसको देना चाहिए तो है दर ने फरमाया। ये है मेहमा कोई तकलीफ तुम इसको न पहुँचाना, ये है मेहमा कोई तकलीफ तुम इसको न पहुँचाना, ये है मेहमा कोई तकलीफ तुम इसको न पहुँचाना।
मैं जो पा जाऊं तो जो चाहो सजा देना। अजियत उसको इस असना में तुम हर गिज भी ना देना। सभी गमगीन थे उनकी समझ में कुछ ना आता था। गमे मौला अली पे हर कोई आंसू बहाता था। मह रमजान की थी 17 तारीख ऐ लोगो, दुआएं कर रहा था हर कोई थी फिक्र हर एक को। बुलाया हजरत ज़ैनब को पास अपने वसीयत की के है ये इब्तिदा ये इंतहा ऐ लाडली बेटी। अभी तो मार काए करबला ऐ बेटी बाकी है। बड़ी ही सख्त मुश्किल उस जगह पे आने वाली है। वहां कुर्बान अहले बैत हो जाएंगे ऐ बेटी। बड़ी दुश्वार तुम दरअसल बेशक वो घड़ी होगी। वहां रहना पड़ेगा भूखा प्यासा ऐ मेरी बच्ची। कोई पुरसा न होगा दर हकीकत लाडली बच्ची। वहां पर हौसला लखते जिगर तुमको दिखाना है। वहां पर हौसला लखते जिगर तुमको दिखाना है। यकीनन रुतबाए इस्लाम को तुमको बढ़ाना है। यकीनन रुतबाए इस्लाम को तुमको बढ़ाना है। यकीनन रुतबाए इस्लाम को तुमको बढ़ाना है। कह के प्यार फरमाया और मुंह पे हाथ भी फेरा। नजर के सामने फिर छा गया था उनके अंधेरा। बड़ी तदबीर की लेकिन न काम आई कोई हिकमत। बिलाखिर हो गए 21वें रमजान को रुखसत। हुई हर आंख पुरनम देख के पुर दर्द नजारा। सभी डूबे हुए थे गम में हर कोई था अफसुरदा। खबर ये जो भी सुनता था वो दौड़ा दौड़ा आता था। जो हालत देखता था रंजो गम में डूब जाता था। दिया हसनैन ने फिर गुस्ल मैयत नीम जा होकर। नमाज उनकी पढ़ाई फिर हसन ने गम की था मंजर। नजफ अशरफ में फिर जाकर किया मदफून हजरत को। वहां की हो गई थी एक अजब ही कैफियत लोगों। उन्हीं के दम से महका गुलशन इस्लाम हर जानिब। पयामे हक गए देकर अली इब्ने अभी तालिब। किया शेरे खुदा ने मज़हबे इस्लाम को जिंदा। मज़हबे इस्लाम को जिंदा। हुआ उनकी बदौलत मोमिनों ये दीन का बिंदा। हुआ उनकी।